टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की, टीजीटी पीजीटी की। शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहने को तो गठन हो गया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ना तो अभी तक कोई एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। विद्यार्थी उपाह में है कि आखिरकार इनकी कब परीक्षाएं होंगी। साथ में विद्यार्थियों को यह भी नहीं पता है कि परीक्षाओं के साथ साथ में जो रिक्त पद है उन पदों का क्या होगा, कि नई भर्ती कब तक आएगी या पद कब तक जोड़े जाएंगे कि नहीं जोड़े जाएंगे। हालांकि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जितने भी पद रिक्त हैं उन पदों को इसी में जोड़ दिया जाए। और इसको लेकर के मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए थे और ज़्यादातर विद्यार्थियों का यही कहना है कि जो पुरानी भर्ती है जिसका विज्ञापन 2022 में जारी हुआ था, उसी में जितने भी रिक्त पद हैं जिसका अधियाचन मंगाया जा रहा है, उन सारे रिक्त पदों का अधियाचन इस पुरानी भर्ती में जोड़ दिया जाए। इसको लेकर के विद्यार्थी एक अंतिम धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और इसको लेकर के मैंने पहले भी जानकारी दी थी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 15 अक्टूबर को ये धरना प्रदर्शन। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 15 अक्टूबर को सीधे चेयरमैन से फाइनल वार्ता होगी कि आखिरकार परीक्षाएं कब होंगी और साथ साथ में जो रिक्त पद हैं उन पदों का क्या होगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि एग्जाम कैलेंडर जारी हो और आप लोग भी चाहते हैं कि जो पद हैं वो जोड़े जाएं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। केवल इन चंद छात्रों कुछ नहीं होगा, कुछ चंद लोगों की वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, मेरे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग सारे विद्यार्थी, जितने 11 लाख से 13 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने जो आवेदन किया है, एकजुट नहीं होंगे, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात नहीं रखेंगे और साथ साथ धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी शांतिपूर्वक होता है उसमें अगर आप लोग नहीं आएंगे तो कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसी तरीके से अखबारों में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन बना रहेगा और वास्तव में ना आपकी परीक्षाएं हो पाएंगी इस साल और ना ही पद जुड़ पाएंगे। तो सुनिए, शीतला प्रसाद ओझा हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं और अक्सर जो छात्रों की जो बात है वो उठाते भी रहते हैं। उत्तर प्रदेश के उन तमाम नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आने वाली 15 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 23 सीलनगंज प्रयागराज में एक बड़े आंदोलन का आगाज किया है, जिसमें कि आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी को पत्र भी भेज दिया गया है। मंगलवार के दिन मुलाकात होगी और जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि विज्ञापन वर्ष 2022 का जो कैलेंडर है वो जारी किया जाए एवं सीट वृद्धि को लेकर के, और जिन भाइयों ने 2024 तक बीएड किया है नए भाइयों बहनों को भी मौका दिया जाए इसी वैकेंसी में। नई भर्तियां कब आएंगी ये किसी को नहीं पता है मित्रों। और जीव विज्ञान 2011 का इंटरव्यू, 2016-2021 की जो भी प्रतीक्षा सूची है उनको भी जारी किया जाए। तो सभी भाइयों बहनों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के आंदोलन को मजबूती दें और बहुत कड़े शब्दों में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से वार्ता की जाएगी। चूँकि जिस तरीके से ये गोल गोल घुमाने की साजिश जो है की जा रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है मित्रों। आप जानते हैं कि विज्ञापन 9 जून 2022 को विज्ञापन निकाला गया, जिसमें कि प्रदेश के 13,19,000 भाइयों बहनों ने आवेदन किया है और इसकी पुष्टि भी हो गई है कि निदेशालय ने शासन को भेज दिया है, जो 25,000 सीटों का डाटा था उसको भेज दिया गया है शासन से। तो हमारी आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि एक दबाव बना करके इसी विज्ञापन वर्ष 2022 में सीट बढ़वा लिया जाए मित्रों। आप देख रहे हैं कि LT GIC GIC प्रवक्ता का विज्ञापन भी ना आने से तमाम भाई बहन ओवर एज हो गए हैं। कुछ भाई बहन तो अभी ऐसे हैं कि LT GIC 2018 में जो विज्ञापन आया था उसमें कुछ आयोग जो है ओवर एज को लेकर के कुछ मामला था, तो वो भाई बहन जो है चले गए माननीय न्यायालय, तो उनका भी रिजल्ट बेचारे का फंसा हुआ है लोक सेवा आयोग में। तो सभी भाइयों बहनों से अपील है कि भर्तियां कहीं नहीं आ रही हैं, आप देख रहे हैं। और जिनको ये लगता है कि जूनियर एडिट की भर्ती आएगी, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट में बता देना चाहता हूं मित्रों कि जूनियर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जो है उसमें TGT के ही भाई जो है 6 से हाई स्कूल तक पढ़ाते हैं, 6 से लेकर के। और शासकीय में जो है 50% प्रमोशन से होता है, 50% सीट भरनी चाहिए, लेकिन जब सरकार करे तो ना, तो हमारे आपके पास केवल एक मौका है कि विज्ञापन हमारा आपका निकल चुका है, पहले समझने का प्रयास करिए। ज़रूरत पड़ेगी तो DG किरण वर्मा जी के से भी मिलेंगे शासन लखनऊ जा करके, और उनसे बहुत स्पष्ट वार्ता होगी कि सभी जनपद के DISO को एक पत्र प्रेषित किया जाए कि 45 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर जो है सही अधियाचन भेजने का कार्य करें आयोग के पोर्टल पर, ताकि सीट वृद्धि हो सके और
सभी कोचिंग संचालकों से भी मेरी विशेष अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए कि उन 13,19,000 भाइयों बहनों तक जो प्रयागराज की गुमनाम की गलियों में सोए हुए हैं, नोट्स की दुनिया में सोए हुए हैं, अगर परीक्षाएं नहीं होंगी समय से, वैकेंसियां नहीं आएंगी, तो पढ़ने से क्या मतलब है। मित्रों, आप जानते होंगे कि 3 वर्ष बीतने जा रहा है और तमाम ऐसे भाई बहन हैं कि जब फ़ोन करते हैं रोते हैं, हम लोग अब शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी आपकी एकजुटता ही लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। SSC CGL में जब सीट वृद्धि हो सकती है, PCS में हो सकती है, हायर एजुकेशन में हो सकती है, तो इसमें क्यों नहीं हो पाएगी। और आयोग अगर ये कहता है कि विधिक कार्यवाही हम ले रहे हैं, तो विधिक कार्यवाही से हमसे नहीं मतलब है, हमने 12 सितंबर को आंदोलन किया तो उस शासन से क्या जवाब आया है, उस जवाब को मुझे चाहिए। और अधिकारी किस लिए बैठे हैं, हम हैं तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, और नहीं है तो ऐसे बोर्ड और ऐसे आयोग की यहाँ पर ऐसे अधिकारियों की कोई ज़रूरत है, अन्यथा की स्थिति में यहाँ से सीधे चले जाएं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास। ऐसे अधिकारियों की कोई ज़रूरत नहीं है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, कि जो आश्वासन से हम लोग अब हटने वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल इस बात को मान के चलिए 15 तारीख को एकदम हमें शांतिपूर्ण तरीके से कूच कर देना है, बहुत कड़े शब्दों में वार्ता होगी। तमाम चीज़ें हैं जो है, अभी 2011 का बताइए इंटरव्यू नहीं करा पाए हैं, कल हमारे एक भाई मिले और रोने लगे, तो इस तरीके से जो भी समस्याएं छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा, और ख़ास करके जो नए अधिकारी आए हुए हैं वो गोल गोल घुमाने की जो साजिश की जा रही है, अभी उनको ये पता नहीं कि ये प्रयागराज है, और प्रयागराज में जब सीधे संवाद होगा तो फिर उनको पता चल जाएगा कि क्या है कैसे। तो अगर उनका समय मूल्यवान है तो मेरा भी समय कीमती है, इसलिए आयोग के अध्यक्ष आदरणीय कीर्ति पांडे जी से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि महोदया जी, विज्ञापन 3 वर्ष निकाला गया है, लगभग 3 वर्ष बीतने जा रहे हैं, तो इसमें सीट वृद्धि क्यों नहीं हो सकती है, इसका जवाब आप आयोग के पास नहीं है। इसलिए मित्रों, अधिक से अधिक संख्या में आकर के आंदोलन को मजबूती दीजिए, और सभी छात्र संगठनों से भी मेरी विशेष आग्रह है, सभी भाइयों बहनों से और सभी छात्र संगठनों से, सभी कोचिंग संचालकों से भी आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के आंदोलन को मजबूती दें। मैं आपके संघर्षों का साथी शीतला प्रसाद ओझा, 14 तारीख को मैं फिर मिलूंगा जो है, और जागरूक अभी से आप लोग करिए, बहुत बहुत ने। और अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सभी छात्र की, जो ये 15 तारीख को जो प्रदर्शन होने जा रहा है शांतिपूर्वक तरीके से, जो ज्ञापन दिया जाएगा, जो मांग रखी जाएगी, चेयरमैन से बातचीत की जाएगी, तो आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और जो भी विद्यार्थी प्रयागराज के हों या जो त्यौहार में घर जा रहे हों, तो वो सारे विद्यार्थी आ जाएं जो आ सकते हों आसपास के, और वैसे जितने विद्यार्थी प्रयागराज में हैं अगर वही आ जाएंगे तब भी काम हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि 50,000 की भीड़ इकट्ठा करना है, 1,00,000 की भीड़ इकट्ठा करना है, आवेदन तो 13 लाख लोगों ने किया है, अगर 2-3 हज़ार विद्यार्थी भी आ जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो ठीक दोस्तों, ये हो गया फिलहाल आज का वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को हो तो लाइक अवश्य कर दें, जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।